Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. क्या बात है अविनाश? आज बहुत सीरियस लग रहा है। नथिंग सीरियस सर, बट केस की ब्रीफ पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये केस हम शायद ही जीत पाए। तुम तो ऐसे टेंस्ड हो रहे हो जैसे इस केस के वकील तुम हो। यू आर जस्ट एन अप्रेंटिस, तुम वकालत सीख रहे हो। प्लीज डोंट गेट सेंटिमेंटल अबाउट केसेस। बट सर, आप हर मुश्किल केस से पहले इतने हंसमुख कैसे रह सकते हैं? आई मीन जॉली गुड। अविनाश, वकालत का लेसन नंबर 1, यहाँ पर इमोशंस की कोई जगह नहीं है। अहमियत है सिर्फ एक चीज की, वो है सच्चाई। और एक बात याद रखिए, हर सच के ऊपर झूठ की एक परत होती है, कभी पतली कभी मोटी। वकील होने के नाते मेरा फर्ज है कि उस परत को हटाऊं और सच को ढूंढूं। इसीलिए मैं हर काम दिलो जान से करता हूं, इसलिए कभी टेंस नहीं होता। सर, कार रेडी है, शैल वी गो? Of course. Sir, मैं आपसे कोर्ट में मिलता हूँ। Certainly. Come on, Naidu. Yeah. It's going to be a tough day in court, sir. Prosecution का केस वैसे ही strong है, और उधर केस की हियरिंग के लिए जस्टिस रॉय की जगह जस्टिस सेन का ट्रांसफर हो गया है। And you know what a strict reputation here, sir. I do file देना। ठीक है सर। साले, मैंने बनकर नाटक करता। सच बता, नहीं तो मार मार कर पुर्ता बना दूँगा। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे जुर्म की गवाही दे रही है, और हम तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं। मैं इंस्पेक्टर डुग्गल 13 जनवरी की रात को जब अपनी टीम के साथ पहुंचा तो मैंने देखा कि बिस्तर पर सर झुकाए बैठा। पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि 10 साल तक बच्चा न होने की वजह से दोनों में रोज झगड़े हुए। उस रात भी लोगों ने झगड़े की आवाज सुनी। भाग्य के बाद और उसके गले पर जो उंगलियों के निशान पाए गए, तो मैं चलूं सर? हाँ, लेकिन जल्दी से पता करके मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। इन फोटोग्राफ से ये नहीं लगता दुग्गल कि इस कमरे में कत्ल हुआ है। हर एक चीज बहुत ही सलीके से रखी हुई है। प्लेट प्लेट की जगह, ग्लास ग्लास की जगह। भाग्य के ऊपर जब हमला हुआ हो तो उसने डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल किया होगा, शायद कोई ग्लास गिरता या कुछ। आप अब कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूं वो इस फोरेंसिक रिपोर्ट से जाहिर है। जो कमरे की सब चीजों की फिंगरप्रिंट डस्टिंग की गई, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं। वेरी ऑड। साफ बात है दुग्गल, हर चीज को सलीके से लगाने के पहले किसी ने सलीके से हर एक फिंगरप्रिंट लगाया। इस केस में तीसरा शख्स इन्वॉल्व है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारे बचाव के लिए मेरे पास कुछ नहीं। रामू, तुम्हारी खामोशी मेरे हाथों के लिए जंजीर है, तुम्हारे गले के लिए फंदा। इन आंसुओं को जुबान लगाओ। डरो मत रामू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा डिफेंस काउंसिल हूं। एक सख्त डिसाइडिंग जज, खामोश वकील, अपने रेपुटेशन का बचाव, स्पेशल न्यू कॉम्बिनेशन, झूठ के खबर में सच को तलाश करके बनाए। Prosecution may now proceed. बादल, तुम काम क्या करते हो? मैं मूर्तिकार हूं सर। रामू को कैसे जानते हो? मूर्तियों के धंधे में मैं रामू के बराबर का हिस्सेदार हूं सर। रामू को कब से जानते हो? 10 साल से सर। दरअसल मैं उस परिवार का एक सदस्य की तरह हूं। अच्छा बादल, ये बताओ रामू और भाग्या के बीच संबंध कैसे थे? पहले बहुत अच्छे थे साहब, लेकिन 10 साल तक जब दोनों को बच्चा नहीं हुआ तो अनबन होने लगी। रामू हर रात शराब पीकर आता था और भाग्या से बहुत झगड़ा करता था साहब। अब भाग्या भी जुबान की बहुत तेज थी, तो दोनों में जमकर लड़ाई होती थी साहब। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? No questions, sir. मिलॉर्ड, अब मैं डॉक्टर नाग को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर नाग, आपने भाग्या की लाश का पोस्टमार्टम किया था। जी हाँ। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई? मिलॉर्ड, उसे गला घोंटकर मारा गया था। क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं? जी हाँ, साइन ऑफ एक्सफिक्सिया की वजह से चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। मिलॉर्ड, साइनोस नजर आ रहा था और हायोइड बॉन्ड में भी फ्रैक्चर हुआ था। उससे साबित होता है कि गले का आगे का हिस्सा दबाकर उसकी हत्या की गई है और गले पर उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, ये उंगलियों के निशान रामू के ही हैं। ये है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन सर। मिस्टर चिदॉय, अगर आप विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो अपना केस कैसे प्रेजेंट करेंगे? लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है और आपने इसे जाया किया या केस तो यूं ही लंबा खींचा तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानूंगा। तो प्लीज बी केयरफुल। रामू कातिल है मिलॉर्ड, और उसे इस जुर्म की सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. मिस्टर चिदॉय, आप अपने मुवक्किल के डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? Your Honor, आंखों देखी और कानों सुनी हर बात सच नहीं होती। ये सच है कि बहुत सारे सबूत मेरे मुवक्किल रामू के खिलाफ हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सबूत मिटाए और बनाए भी जा सकते हैं। खासकर इस केस के फोटोग्राफ्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को देखकर कुछ ऐसा लगता है। प्लीज नोट, कमरे में हर एक चीज सही जगह पर रखी हुई है, जैसे किसी ने कत्ल के बाद बहुत ही ठंडे दिमाग से हर एक चीज को सही जगह पर सजा दी हो। और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जूतों और कपड़ों के फिंगरप्रिंट्स की बात तो बाद में होगी, उससे पहले भाग्या के गले पर रामू के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर चिदॉय, Prosecution has a point. I agree, Your Honor. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कत्ल के बाद कोई आया। मिस्टर चिदॉय, आपके लगने या न लगने पर अदालत अपनी कार्रवाई नहीं कर सकती। आपको ठोस सबूत देने होंगे। Is that clear? रामू, अदालत तुमसे एक बार फिर पूछती है, क्या तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इकबाल जुर्म समझा जाए? योर ऑनर, जब अदालत के इसी कटघरे पे खड़ा होकर एक इंसान चीख चीख कर कहता है कि वो अपराधी नहीं है, तो क्या अदालत उसकी बात मान लेती है? अगर नहीं, तो एक आदमी की खामोशी को उसका इकबाल जुर्म कैसे माना जा सकता है? Your Honor, मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर सेठ की नजर में इस कत्ल की वजह भाग्या का बांझपन था, लेकिन अदालत को यह सुनकर हैरानी होगी कि मौत के वक्त भाग्या मां बनने वाली थी। Silence, silence in the court. ये रहा इसका सबूत। योर ऑनर, इस नए सबूत के बिना पर मैं अब डॉक्टर नाथ को विटनेस स्टैंड पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर नाथ, भाग्या मां बनने वाली थी, उसका पोस्टमार्टम आपने किया जी, इस बारे में कुछ प्रकाश आप डाल सकते हैं? जी, शक तो मुझे भी हुआ था सर, लेकिन अर्ली स्टेज में ऐसी बातों में कुछ भी बताना थोड़ा मुश्किल और नामुमकिन रहता है मिलॉर्ड। लेकिन भाग्या के पेट में पलने वाला बच्चा 1 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। वो ऐसी, लेकिन ऐसी कोई बात है जो आप यकीनन बता सकते हैं लेकिन आप अदालत को बताना भूल गए? कत्ल से पहले भाग्या के साथ संभोग हुआ था मिलॉर्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी जरूरी बात आप अदालत को बताना भूल गए? मैंने ये इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं मिलॉर्ड, मैंने सोचा कि संभोग रामू ने किया होगा। तो वो शायद कोई और भी हो सकता था, लेकिन ये सब बातों के लिए सेकेंड फॉरेंसिक टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और मिलॉर्ड रामू के डीएनए टेस्ट भी करने पड़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर नाथ। योर ऑनर, इतनी सब सनसनीखेज बातों के सामने आने के बाद मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि आप हुक्म दें कि रामू के नए मेडिकल टेस्ट कराए जाए। अदालत हुक्म देती है। थैंक यू योर ऑनर। जब तक शिकार निशाने पर न हो, तीनों को सरकट नहीं रहना रामू, देखो एक बात तो साफ है कि भाग्या की ताल्लुकात किसी और के साथ है। तुम उसे जानते हो, कौन है? क्या भाग्या की मौत के साथ उसका कोई वास्ता है? रामू तुम डरो मत, मेरा यकीन तुम्हारा कोई बात नहीं। रामू भगवान के लिए अपना ये बॉन्ड सब तोड़ो। कहां से आ रही है हरामजादी? तू जो काम कर रहा है ना वो ही कर, मेरे मुंह मत लग। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से हो रही है तो? बस दो घूंट दारू के मुंह में गई नहीं कि तेरे नाटक चालू है। मैंने दारू पी रखी है लेकिन इतनी नहीं पी है कि तेरी काली करतूत तेरे जान सकूं। जवान लड़ाती है साली, हाँ? और कुछ कर नहीं सकता तू। काले में तुझे मेरे को ताने देती है। कहती है रे, बात कहती है। मेरी काली और तूने मुझे बात कहती है, मेरे तुमसे क्या गुजरती होगी ना? अरे केसरिया बालम आओ जी पधारो मारे दे पधारो मा। देखिए सब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने सब ये सबको बता दिया है। अब मुझे कुछ मत पूछिए। बसंती, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भाग्या का कोई प्रेमी था? देखिए साहब, मैंने कहा ना मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो भाग्या है ना, वो मैडम वालिया और मैडम वर्मा है ना, उनके यहाँ काम करती थी। अब उन्हीं से जाके पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। सॉरी सर, पता नहीं बसंती आज क्यों बोल नहीं रही है। वो कुछ छुपा रही है। नायडू, इस पर नजर रखना है। ओके सर। मिट्टी में जैसे होता है, सोने के बना। अच्छा सुन, मुझे भी सोने के बना देना, मुझमें भी जान डाल। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, यही कि तेरे हाथों में जादू। जादू मुझ में नहीं है, तेरे प्यार में है। हाय दैया, क्या हो गया? अरे मेरे चूल्हे पे कुछ रखा था। अरे जय बाबा, खाना जल जाएगा। सुन, अभी तो मैं सिर्फ मूर्तियां बनाता हूँ, लेकिन एक दिन मैं तेरे लिए एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। और उसमें कौन कौन रहेंगे पता है? तू, मैं और ढेर सारे बच्चे। हाय भैया। मिसेस वालिया जी, भाग्या आपके यहाँ काम करती थी? यस ऑफ कोर्स, वो सुबह शाम घर की सफाई और कपड़े बर्तन धोया करती थी। आई सी। उसका चाल चलन कैसा था? उसका कोई प्रेमी? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई प्रेमी वेमी नहीं था। कभी कभार उसका पति रामू से मिलने आया करता था। इसके अलावा ना तो हमने उसे किसी से मिलते देखा है, ना तो किसी से फोन पे बात करते हुए देखा है। आई सी, एक्सक्यूज मी। हेलो नायडू। व्हाट? आर यू श्योर? तुम कह रहे हो कि तुमने उसे चुप करने के लिए पैसे देते हुए देखा? ये कौन है? आप इसे नहीं जानती? नायडू, आई विल कॉल यू बैक। मिसेस वालिया, ये रामू है, भाग्या का पति। भाग्या का पति? इम्पॉसिबल। वो तो काला है, मोटा है, उसकी घनी मूंछें हैं, उसके बाल। इम्पॉसिबल। मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे छोड़ दीजिए। सच बोल बादल, तुम्हारा भाग्य के साथ चक्कर था ना? लेकिन कुछ दिन से वो मुझसे दूर दूर भाग रही थी ना, इसीलिए तुमने उसे टपका दिया? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया था। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आने दो। ऐसे क्यों किया? तब हम अपने संबंधों के बारे में जानते हैं। मुझे लगा कि अगर ये संबंधों के बारे में किसी को पता चल गया तो मैं मुसीबत में बचाऊँ। ठीक है, आप बताओ। अदालत में गवाही को दी। जब मैं लालच में आ गया था, मुझे लगा अगर रामू को सजा हो जाएगी तो वो दुकान मेरी हो जाएगी ना। छोड़ छोड़ यार, तो छोड़ दो यार। तो गल। बादल के सीलन और डीएनए मिस्टर चोनाय, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अब आपको यहां क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर दुग्गल, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मैं जानता हूं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर चुकी है। मैं ये भी जानता हूं कि कातिल बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। नायडू, फोटोग्राफ। भाग्य की लाश यहां पर, भाग्या शायद यहाँ बैठी हुई बात कर रही होगी अपने कातिल से, जो उसका प्रेमी है। कातिल शायद इस तरफ, राइट। भाग्या ने उसको बताया होगा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसने गुस्से में आकर भाग्या के गले को दबोचना चाहा होगा। भाग्या ने उसे धक्का दिया होगा। यहाँ से कोई नौकरी सुनिए, उसने यूं उसका गले को दबोचा होगा और उसके बाद वो मर गई। वो घबरा गया। अब उसको उतरना है। वो कैसे उतरेगा? उसको यहां से उतरने के लिए तमाम मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि भाग्या के साथ कत्ल के पहले संभोग करने वाला व्यक्ति रामू नहीं था, ना ही उसके पेट में पल रहा बच्चा रामू का था। कत्ल की यह भी तो वजह हो सकती है मिलॉर्ड, किसी और का बच्चा। और फिर भाग्या के गले पर उंगलियों के निशान आखिर रामू के ही तो हैं। योर ऑनर, उंगलियों के निशान इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन भाग्या के साथ संभोग होना और उसका गर्भवती होना इत्तेफाक नहीं है। योर ऑनर, हमें कत्ल के स्थान से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो रामू के नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये फिंगरप्रिंट्स असली कातिल के हैं। मैंने ये फिंगरप्रिंट्स लैब में भेजे हैं, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप अपना फैसला। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त अदालत के फैसले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। अदालत गवाह है कि चोरी और डकैती जैसे केसों की सुनवाई में सालों लग जाते हैं, यह तो एक कत्ल का केस है योर ऑनर, एक आदमी की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले की जांच पड़ताल के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। ओवररूल्ड। योर ऑनर, आप मेरा यकीन कीजिए, उस रात कमरे में एक तीसरा शख्स मौजूद था जो भाग्या का प्रेमी था, और मुझे पूरा यकीन है कि वही शख्स असली कातिल है। ओवररूल्ड मिस्टर चिनॉय। आपके शक और एनालिसिस की वजह से कल एक बेगुनाह इंसान को गिरफ्तार किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, अदालत सबूत मांगती है, थ्योरीज नहीं। मिस्टर चिनॉय, ये अदालत आपको एक और सुनवाई की मोहलत देती है, एंड दैट्स फाइनल। अब तो रामू को अपना मौन तोड़ना ही होगा। रामू अपनी बीवी की मौत का दर्द अपने सीने में छुपाकर, मुझसे दवा की उम्मीद मत करना। तुम्हारा केस मैं फ्री में लड़ रहा हूं। पीस के तौर पर मुझे यही बता दो कि कातिल कौन है। देखो रामू, बहुत जरूरी है कि तुम हमारी मदद करो जिससे हम उस कातिल को पकड़ पाए, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं चले जाऊंगा यहां से। कुछ दिनों बाद जज एक सेंटेंस सुनाएंगे जिसमें तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद तुम फांसी के फंदे से लटक जाओगे, कहानी खत्म। लेकिन दुनिया चलती रहेगी और वो कातिल कितना खुश है, वो जानता है कि तुम नपुंसक हो, इसलिए वो तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज संबंध रखवाया और तुम कुछ नहीं किया। लेकिन अब वो क्या सोचेगा? अब वो सोचेगा कि तुम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नपुंसक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी एक नपुंसक हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं बोल पाए उसके तुम्हारे बीवी के कत्ल करने के बाद भी। थैंक्स फॉर दैट। को बताना मेरा फर्ज है। योर ऑनर, रामू ने मुझे कातिल का नाम बता दिया है। ऑर्डर ऑर्डर। जी हां योर ऑनर, रामू ने मुझे कातिल का नाम बता दिया है और आप सबको यह सुनकर हैरत होगी कि कातिल इस वक्त इसी अदालत में बैठा है। और इसका सबूत इस लिफाफे में। क्या मैं इसे देख सकता हूं? ओह, ऑफ कोर्स योर ऑनर। क्या बेहुदा मजाक है? ये मजाक नहीं, ठोस सबूत है ये वाला। मिस्टर चिदंबरम, ये वार्निंग है आपके लिए। आप कोर्ट को गुमराह करने में लगे हुए हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई विल सस्पेंड यू टुमारो। द कोर्ट इज एडजर्न। सर, एक्सक्यूज मी। They don't match. रामू ने वो वाला चेहरा क्यों बनाया? कोशिश करने पर तो इंसान को भगवान ही मिल जाता है। भगवान और शैतान में। सर, मिसेस वर्मा को अभी मिलके आ रहा हूं मैं। वो बेंगलुरु से वापस आ गई है और उन्होंने मुझे बताया कि जस्टिस सेन के बेटे ने भाग्या को उनके यहाँ नौकरी पे रखवाया था। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? कौन नाइट बोल? 13 जनवरी की रात याद है तुम्हें? कौन हो तुम? हमारी हवस और जुनून का चश्मदीद गवाह। फोटोग्राफी मेरी हॉबी है और ब्लैकमेलिंग मेरा पेशा। क्या चाहते हो तुम? फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स के बदले में सिर्फ 5 लाख रुपए 2 घंटे में जुबली बाग में मिला। ओके, पैसे Sen, कल आप मुझे सस्पेंड करेंगे या आप? योर ऑनर, भाग्या मिसेस वाडिया और मिसेस वर्मा के घर में काम करने से पहले जस्टिस सेन के घर में काम करती थी और वहीं पर अविनाश और उसके नाजायज ताल्लुकात शुरू हुए जो उसके नौकरी छोड़ने के बाद भी जारी है। रात भी अविनाश भाग्या के घर पर ही था। देर रात जब रामू अपनी दुकान से घर वापस आया तो उसे अंदर से किसी मर्द की आवाज सुनाई। बस क्या करो आप? छोड़ो ना, बहुत शरारती हो रही हो। इसलिए तुम घर जाने को बदल तो फिर हमें बचाएगा? गहरा था रामू, वो कुछ सोच ही नहीं पाया। सदमे से वो वापस मुड़ गया और एक शराब के पीकर। क्या वादा है, बड़ी खुश लग रही है। खुद अंदर की आग बुझने के बाद घर पर भाग्या ने अविनाश को बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, मगर घर के अंदर होनी को कुछ और ही मजबूर। बच्चा मेरा, तुझे गिराना होगा। छोटे मैं सो बार नहीं जवाब दूंगी। नहीं तू जिद मत कर, तुझे बच्चा गिराना होगा। मेरा हाथ छोड़ दो। चिल्लाएगी चिल्लाएगी। इतना सुनते ही अविनाश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गुस्से में हाथापाई होती है और गलती से अविनाश के हाथों भाग्या मर जाती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है वो घबरा जाता है। कुछ न सोचने पर वो अपने पिता यानी कि जस्टिस सेन को फोन करके सब कुछ बता देता है। जस्टिस सेन इसे जोर से डांटने लगते हैं, पर उन्हें एकाएक एहसास होता है इस शख्स के लिए उनके इकलौते बेटे को फांसी की हो सकती है। एक बाप का प्यार एक जज के न्याय को सबूत देता है। वो अविनाश से पता पूछकर अपराध स्थल तक पहुंचते हैं। वो घबराए हुए अविनाश को फरार करते हैं और खुद ठंडे दिमाग से सबूत जुटाने में रहता है। लेकिन जस्टिस सेन को यह मालूम नहीं होता कि अविनाश की उंगलियों के निशान पलंग के नीचे। लेकिन रामू ने जस्टिस सेन का चेहरा क्यों बनाया, ये भी बताता हूं। जस्टिस सेन जब सारे सबूत मिटाकर बाहर निकल रहे थे तो पत्नी की मांग से हारा हुआ, अपने आप को दोषी मानता हुआ रामू वापस खड़ा। उसने जस्टिस सेन को अपने घर से बाहर निकलते देखा। रामू को लगा तो आवाज उसने कुछ देर पहले अपने घर में जस्टिस सेन के घर से निकलने के बाद रामू घर पहुंचता है। वहां पर वो भाग्या की लाश पर गालियों, लातों और घूसों की बौछार करता है। योर ऑनर प्लीज नोट, भाग्या की लाश पर वो वार करता है और इस तरह योर ऑनर मेरे मुवक्किल रामू पर भाग्या के कत्ल का इल्जाम है। और रामू के खामोशी। योर ऑनर, इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ी देर के लिए इस पूरे हादसे रामू की नजर से देखा। वो जानता था कि भाग्या के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसकी नजर में उसी की नामर्दी। वो जानता था कि भाग्या गर्भवती थी किसी और पत्नी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी वो पत्नी की नामर्दी को पाता था। वो जानता था कि भाग्या का कत्ल किसी और ने किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी वो खुद अपनी नामर्दी को दे रहा था। इसीलिए वो चुप रहा, सच को अपने हलक में दबाए रखा। और मान लीजिए अगर वो सोचता कि वो आज सच बोलेगा तो वो क्या करता? पूरी दुनिया के सामने कबूल करता कि वो नामर्द है। पूरी दुनिया के सामने कबूल करता कि वो नामर्द है, इसके बावजूद उसकी बीवी गर्भवती है किसी दूसरे मर्द से। क्या वो ये कहने की जरूरत करता कि उसकी बीवी का कातिल उसी के केस का न्यायाधीश जस्टिस सेन का बेटा है? नो योर ऑनर, ये बात जब मेरे जैसे प्रोफेशनल वकील को पता चली, मैं भी लोगों के साथ गरीब, लाचार, उसके सामने सिर्फ